नमस्कार, आपका बिजनेस रेमेडीज के YouTube चैनल में स्वागत है। मैं हूं दिव्यानी व्यास। कोरोना महामारी के दौरान लगाए गए तमाम सरकारी प्रतिबंधों के समाप्त होने के साथ ही संपूर्ण भारत में कारोबारी गतिविधियों में तेजी देखने को मिल रही है और यही वजह है कि देश के पूंजी बाजारों में इन दिनों निवेश का अनुकूल माहौल बना हुआ है। कारोबार को विस्तार देने हेतु कार्यशील पूंजी जुटाने के लिए विभिन्न कंपनियां IPO लेकर आ रही है, जिससे स्वतंत्र और संस्थागत निवेशकों में भी भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। इसी कड़ी में राजस्थान के भीलवाड़ा आधारित फैब्रिक और डेनिम निर्माता कंपनी स्वराज सूटिंग लिमिटेड मध्य प्रदेश के नीमच में शुरू होने जा रहे अपने नए डेनिम प्लांट हेतु वांछित कार्यशील पूंजी की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए NSE एमर्ज प्लेटफॉर्म पर IPO लेकर आ रही है। स्वराज सूटिंग लिमिटेड के IPO के संबंध में बिजनेस रेमेडीज के दर्शकों को हम बताना चाहेंगे कि कंपनी का IPO 15 मार्च को खुलकर 17 मार्च 2022 को बंद होगा। कंपनी द्वारा फिक्स्ड प्राइस इशू प्रणाली से ₹10 फेस वैल्यू के 19,08,000 शेयर ₹56 प्रति शेयर के भाव से जारी कर 10,68,00,000 रुपए जुटाए जा रहे हैं। कंपनी के IPO का मार्केट लॉट साइज 2,000 शेयरों का है, यानी कि निवेशकों को कंपनी के IPO में एक लॉट के लिए ₹112,000 निवेश करने होंगे। IPO में 50% शेयर रिटेल निवेशकों और 50% शेयर NII और HNI निवेशकों के लिए रखे गए हैं। कंपनी के IPO का प्रबंधन प्रमुख लीड मैनेजर कंपनी फिनशोर मैनेजमेंट सर्विसेज लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि गारमेंट्स में डेनिम का उपयोग देश ही नहीं बल्कि पूरे दुनिया के यूथ की पहली पसंद के चलते वर्ष दर वर्ष लगातार बढ़ रहा है। डेनिम की ग्रोथ स्टोरी का हिस्सा बनने में निवेशकों की रुचि बढ़ गई है, जिससे कि अब निवेशकों को भीलवाड़ा आधारित डेनिम निर्माता कंपनी स्वराज सूटिंग लिमिटेड में निवेश का मौका मिल रहा है। कंपनी की कारोबारी गतिविधियों के बारे में हम आपको बताना चाहेंगे कि कंपनी प्रवर्तक मोहम्मद साबिर खान के नेतृत्व में स्वराज सूटिंग लिमिटेड का इनकॉर्पोरेशन वर्ष 2003 में हुआ था। वर्तमान में कंपनी ग्रे फैब्रिक का निर्माण, जॉब वर्क का वीविंग, फिनिश्ड और ग्रे वर्क और यार्न की ट्रेडिंग करते हैं। मार्च और अप्रैल 2022 में मध्य प्रदेश के नीमच स्थित डेनिम निर्माण प्लांट में शुरू होने जा रहे व्यावसायिक उत्पादन के मद्देनजर स्वराज सूटिंग लिमिटेड को एक पूर्ण इंटीग्रेटेड डेनिम निर्माता कंपनी कहना ज्यादा उचित होगा। बिजनेस रेमेडीज के दर्शकों को स्वराज सूटिंग लिमिटेड के गत वर्षों के वित्तीय प्रदर्शन के बारे में हम बताना चाहेंगे कि कोरोना काल में कंपनी ने अधिकांश राजस्व फिनिश्ड फैब्रिक, यार्न और ग्रे फैब्रिक की ट्रेडिंग में हासिल किया। जैसे ही कोरोना प्रतिबंध खत्म हुए और मार्केट में मांग लौटी, कंपनी ने ग्रे फैब्रिक के निर्माण से काफी अच्छा राजस्व हासिल किया। सितंबर 2021 तक कंपनी ने कुल 81,70,00,000 रुपए का राजस्व हासिल किया है, जिसमें 75,80,00,000 रुपए का राजस्व ग्रे फैब्रिक के निर्माण से हासिल किया है। वित्त वर्ष 2019 में कंपनी ने करीब 76,41,00,000 रुपए की राजस्व और करीब 2,18,00,000 रुपए का कर पश्चात शुद्ध लाभ हासिल किया। इसी प्रकार वित्त वर्ष 2020 में कंपनी ने करीब 80,65,00,000 रुपए का राजस्व और 3,54,00,000 रुपए का कर पश्चात शुद्ध लाभ और वित्त वर्ष 2021 में करीब 60,21,00,000 रुपए का राजस्व और 2,67,00,000 रुपए के पश्चात शुद्ध लाभ अर्जित किया है। वित्त वर्ष 2022 की पहली छमाही में कंपनी ने करीब 81,71,00,000 रुपए का राजस्व और 1,91,00,000 रुपए का कर पश्चात शुद्ध लाभ अर्जित किया है। वर्ष 2022 की आय के आधार पर कंपनी का IPO 10.55 के प्राइस टू इक्वालिटी मल्टीपल और 3 वित्त वर्षों को औसत EPS करीब 7 रुपए के आधार पर कंपनी का IPO करीब 8 के PE मल्टीपल पर उपलब्ध हो रहा है। कंपनी का रिटर्न ऑन नेट वर्थ
तीन वित्त वर्षों के औसत के आधार पर 8.73% रहा है। पोस्ट आईपीओ एनएवी 80.83 रुपए के आधार पर कंपनी का शेयर 0.79 प्राइस के टूल के आधार पर रहा है। इसी आधार पर आईपीओ के मूल्यांकन को वाजिब कहा जाएगा। स्वराज शूटिंग लिमिटेड के लिए गेम चेंजर के रूप में उभर रहे मध्य प्रदेश के नीमच प्लांट के बारे में हम जानकारी देना चाहेंगे कि वहां सरकार ने कंपनी को 30,000 वर्ग मीटर और 1,50,000 वर्ग मीटर भूमि सब्सिडी के साथ वांछित पानी की व्यवस्था भी मुहैया कराई है, जिससे कंपनी वर्तमान निर्माण क्षमता का बैकवर्ड और फॉरवर्ड इंटीग्रेशन करके फिनिश्ड डेनिम बनाने में सक्षम होगी। इससे कंपनी सप्लाई चेन को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने में, उत्पादन लागत में वांछित कमी लाने और कंपनी की कार्य क्षमता को बढ़ाने में भी सक्षम होगी। सबसे पहले नीमच प्लांट में यार्न की प्राप्ति, वेरपिंग यार्न की साइजिंग और इंडिगो डाइंग बीम पोजीशन में सेटिंग कर भीलवाड़ा की इकाई में भेजा जाएगा। वहां ड्राइंग बीम गेटिंग और नोटिंग टूल लीम वीविंग बाद में फैब्रिक को फिर से नीमच प्लांट भेजा जाएगा। इसके बाद वहां से फिनिशिंग होकर फिनिश्ड डेनिम का डिस्पैच किया जाएगा। कंपनी प्रवर्तक मोहम्मद साबिर खान ने बताया कि कंपनी के पास स्वयं के 9 ट्रक है, जिसमें कंपनी को माल के परिवहन में कोई परेशानी नहीं होगी। इस प्लांट की निर्माण क्षमता 21.75 मिलियन मीटर डेनिम फैब्रिक प्रति वर्ष की है। इस प्रोजेक्ट की लागत 71,37,00,000 रुपए की है। इसमें बैक टर्म लोन से 43 करोड़ रुपए और प्रवर्तकों से 18,82,00,000 रुपए लगाए गए हैं, जबकि आईपीओ से प्राप्त पूंजी में 9,55,00,000 रुपए कार्यशील पूंजी के रूप में लगाए जाएंगे। कंपनी के युवा प्रवर्तक नासिर खान ने बताया कि कंपनी के पास नीमच में 1,50,000 वर्ग मीटर का लैंड बैंक है, जिससे कंपनी आने वाले सालों में मांग के आधार पर निर्माण क्षमता में वांछित बढ़ोतरी करने में सक्षम होगी। उन्होंने बताया कि कंपनी ने आने वाले वित्त वर्षों में टर्नओवर को 400 करोड़ रुपए पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। तो ये थी फैब्रिक एंड डेनिम निर्माण क्षेत्र की प्रमुख कंपनी स्वराज शूटिंग लिमिटेड की कारोबारी जानकारियां। स्टॉक मार्केट, कमोडिटी बाजार, आईपीओ मार्केट और व्यापार से जुड़ी हर जरूरी खबर से हम आपको करवाते रहेंगे अपडेट। देखते रहिए बिजनेस रेमेडीज की डिजिटल खबरें। वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। नमस्कार।